टैटू बनवाना आजकल के समय में फैशन बन गया है। हाल ही में टैटू बनवाने की वजह से वाराणसी में 12 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अगर आपको भी टैटू बनवाने का शौक है तो कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पिछले 2 महीने में हुई जाँच में 12 युवाओं के HIV पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इस संक्रमण के पीछे का कारण टैटू बनवाना बताया जा रहा है। सभी युवाओं ने हाल फिलहाल में टैटू बनवाया था। आमतौर पर टैटू बनवाते वक्त अक्सर युवा इस बात का ध्यान नहीं रखते कि जिस निडल से टैटू बनवाया जा रहा है वो नया है या इस्तेमाल किया हुआ है, और यही HIV पॉजिटिव होने की वजह बन गया है। ज्यादा पैसे के लालच में टैटू बनाने वाले आर्टिस्ट एक ही सुई का इस्तेमाल करते हैं और लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लोगों ने ना तो किसी से कभी असुरक्षित यौन संबंध बनाए थे और ना ही कभी संक्रमित इंजेक्शन लगाया था। जब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो ये लोग हैरान हो गए। ज्यादातर की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। इन मरीजों की काउंसलिंग के बाद पता चला कि टैटू बनवाने के बाद से ही इनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। दरअसल टैटू बनवाने के लिए जिस सुई का इस्तेमाल किया गया वही संक्रमित थी। इस सुई का इस्तेमाल कई लोगों के शरीर पर टैटू बनवाने के लिए पहले किया जा चुका था। जिस निडल से टैटू बनवाया जाता है वह काफ़ी महंगी होती है। एक निडल से एक ही व्यक्ति को टैटू बनवाना चाहिए। एक बार यूज़ किए गए निडल का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर के अनुसार अगर आपने हाल में टैटू बनवाया है तो तुरंत सतर्क हो जाएं और HIV टेस्ट कराएं। और स्पेशली कभी किसी फेरी वाले से या किसी मेले में जाकर टैटू बिल्कुल ना करवाएं।